मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। हम मध्य प्रदेश के महलों को एक मैप में समझने का कार्य करेंगे। लगभग इस मैप से आपको मध्य प्रदेश के सारे महल कवर हो जाने हैं जो किसी प्रकार की अन्य पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से। सबसे पहले एक महल जो मिलता है शिवपुरी में, हवा महल। हवा महल मध्य प्रदेश में दो पाए जाते हैं, इसी के साथ में एक चंदेरी अशोकनगर में भी आपको एक महल देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं ग्वालियर की ओर। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के धार के बाद सर्वाधिक महल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राजा मानसिंह का जिक्र किया जाता है ग्वालियर से संबंधित, इसलिए सबसे पहले मान मंदिर महल की हम बात करते हैं। इन्हीं की एक प्रेसी रही हैं जिन्हें गुजरी के नाम से, क्योंकि वो गुजरी संप्रदाय की थी, जिन्हें मृगनयनी उनका एक्चुअल नाम था, तो उन्हीं के लिए इस ग्वालियर के किले में एक महल बनवाया गया था जिसे मृगनयनी महल या गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। इसी में बादल महल, जयविलास पैलेस जो सिंधिया घराने का अपना एक रहवास क्षेत्र भी है जहाँ पर वो रहते हैं, इसमें लगभग 300 कमरे के आसपास कमरे हैं। इस पैलेस की विशेषता है कि इसमें एक संग्रहालय भी है जो इन 300 कमरों में से 35 कमरों में बनाया गया है। इसी के साथ कर्ण महल, विक्रम महल, शाहजहां महल, उषा किरण महल ये सब, और मोती महल। मोती महल एक्चुअल में मध्य प्रदेश के 5 जिलों में या 5 जगहों पर स्थित है जिसमें से ग्वालियर वाला प्रमुख माना जाता है। आइए इसी के साथ हम आगे चलते हैं तो भिंड आता है। भिंड में एक महल देखने को मिलता है जिसे नया महल कहा जाता है। नया महल के बाद हम आगे चलते हैं दतिया। दतिया में सतखंडा महल है। सतखंडा महल जो है ओरछा के राजाओं ने इसे बनवाया था, खास करके वीर सिंह बुंदेला जिनका जिक्र किया जाता है। ये बनाया था ओरछा के राजाओं ने, लेकिन उन्होंने कभी पर यहाँ अपनी राजधानी शिफ्ट नहीं करी, ना कभी वो लोग यहाँ पर आकर के रहे। लेकिन बनाया किनके द्वारा गया, तो ओरछा राजाओं के द्वारा बनवाया गया। सतखंडा महल दतिया में पड़ता है। ये जितने भी महल वर्तमान निवाड़ी में हैं, भूतपूर्व टिकमगढ़ में हुआ करते थे। टिकमगढ़ से अलग होकर के निवाड़ी जिला बनाया गया है, और निवाड़ी में भी कहाँ लोकेटेड है, तो ओरछा में। ओरछा अपने आप में किले के लिए जाना जाता है। इसके साथ में यहाँ सबसे पहले जो महल देखे जाते हैं उनमें नाम आते हैं सुंदर महल, जहांगीर महल, राजा महल। इसी के साथ में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो शीश महल, पालकी महल, राय प्रवीण महल, ताल कोठी महल, ये सब के सब जो महल हैं ये निवाड़ी के ओरछा में लोकेटेड हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यहां जहांगीर महल को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह जहांगीर के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था, और जब जहांगीर यहां पर विश्राम करने के लिए आए थे तब उनके लिए बनवाया गया था, और जब जहांगीर सारा राजपाट छोड़ करके निकले थे तब भी वो यहां आकर के रुके थे। अब यहाँ का जो शीश महल है ये अंदर की नक्काशी के लिए बहुत जाना जाता है। पालकी महल, राय प्रवीण महल, ताल कोठी महल। जो ताल कोठी महल है ये एक प्रकार से कैदी के रखने के हिसाब से बनवाया गया था, लेकिन इसे महल की संज्ञा दी जाती है। हम आगे चलते हैं अशोकनगर। इसी अशोकनगर के चंदेरी में जो महल देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हवा महल जो हम लोगों ने शिवपुरी में भी देखा था। फिर आता है नौखंडा महल। ध्यान दीजिएगा, दतिया में सतखंडा है लेकिन जो अशोकनगर के चंदेरी में है वो नौखंडा है। फिर आता है राजमहल। इस राजमहल को कहा जाता है राम राजा महल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम से रिलेट इसको किया जाता है। फिर आता है कुशक, या इसे ही कहा जाता है कोशक महल। इस कुशक महल का प्रोनाउंसिएशन अपभ्रंश होकर के कोशक प्रोनाउंस किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कुशक या कोशक दो अलग नहीं, एक ही महल है। उसी प्रकार से राजमहल और राम राजा महल दो अलग अलग नहीं अपितु एक महल है। फिर हम चलते हैं छतरपुर की ओर। छतरपुर जो जिला है इसके अंतर्गत दो महल देखने को मिलते हैं। पहला है धुबेला महल और दूसरा है हृदय शाह का महल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब आपको धूप लगती है आप छतरी के नीचे आते हैं तब आपके हृदय को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है। तो हृदय शाह और धुबेला दोनों महल कहां पर है, छतरपुर में। पन्ना में जो महल लोकेटेड है राजा अमन का महल, और दूसरा आता है हिंदूपत महल। कौन सा, हिंदूपत। तो राजा अमन महल, हिंदूपत दोनों पन्ना में लोकेटेड हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण जिला आता है रायसेन। सतना और रीवा में किसी प्रकार के महल नहीं है, रायसेन। रायसेन में मुख्य रूप से तीन महल हैं। सबसे पहले आता है इत्रदार महल, बादल महल, राजा रोहित महल। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि रायसेन में भी बादल महल है, ग्वालियर में भी बादल महल है, और मंडला में भी बादल महल है। तो बादल महल मध्य प्रदेश के तीन जिलों में आते हैं। फिर हम चलते हैं जबलपुर। मध्य प्रदेश की संगमरमर नगरी जबलपुर, इसमें सबसे पहला महल है मदन महल, और इसी के पास में एक लोकेटेड है मोती महल। मोती महल का जिक्र इससे पहले ग्वालियर में कर चुका हूं, और अब हम जबलपुर में कर रहे हैं।
इसी के साथ में मंडला, मंडला में बघेलिन का महल है, इसे ही बघेलन रानी कहा जाता था, इसलिए इसे रानी का महल भी प्रोनाउंस किया जाता है। दूसरे नंबर पे यहाँ फेमस है बादल महल। बादल महल मैंने आपको कहा था रायसेन और मंडला और ग्वालियर, इन तीनों में बादल महल देखने को मिलता है। फिर आता है मोती महल। अब ध्यान देने योग्य बात है कि जबलपुर में भी मोती महल था, मंडला में मोती महल है और ग्वालियर में भी मोती महल था। अब आगे चलेंगे तो आपको बुरहानपुर में मोती महल मिलेगा और भोपाल में भी मोती महल मिलेगा। ये टोटल मिलाकर के 5 जिले हैं जहां मोती महल देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर में खरबूजा महल, मोती महल और राव रतन का महल। एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ है कि बुरहानपुर में राव रतन का है, किंतु यहाँ अगर आप देखेंगे तो निवाड़ी के अंदर राय प्रवीण का महल है। थोड़ा सा नाम को लेकर के कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ये राव रतन का है और वो राय प्रवीण का है। और खरबूजा महल एक्चुअल में ये महल नहीं, एक मकबरा है जिसे बिल्किस बेगम का मकबरा कहा जाता है। ओरिजिनल एक खरबूजा का महल और है जो धार में लोकेटेड है, आप देख सकते हैं ये धार से खरबूजा महल। यहाँ पर बाजीराव पेशवा का जन्म हुआ था, इसलिए अगर कभी क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं बुरहानपुर और धार, तब आप धार लगाएंगे, क्योंकि महल एक्चुअल में खरबूजा वाला है। ये मकबरा है जिसे हम महल कहते हैं या लोग इसे महल कहते हुए आए हैं, इसलिए ध्यान रखना कि बुरहानपुर में भी खरबूजा महल है और धार में भी खरबूजा महल है, मोती महल और राव रतन महल। भोपाल में कमलापति पैलेस, इनके नाम पर हबीबगंज का नाम चेंज करके कमलापति रेलवे जंक्शन किया गया, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर शौकत गोहर महल, गोहद नहीं बोल रहा हूँ मैं, गोहर बोल रहा हूँ, गोहद बोलूँगा तो भिंड का किला हो जाएगा। गोहर महल पूछा जाए तो भोपाल में है, मोती महल पूछा जाए तो भोपाल में है। ऊपर आते हैं शाजापुर। शाजापुर में जो महल है वो ताराबाई का महल है और उसके ऊपर राजगढ़, नाम से स्पष्ट है राजगढ़ में जो है वो राजगढ़ का महल है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करते हैं कि उज्जैन में कौन सा महल है, तो एक सबसे पहले केडी पैलेस जिसे कालिया देह महल के नाम से जाना जाता है और दूसरा कोठी महल, जहाँ पर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की एक जिला न्यायाधीश की स्थापना की गई है। फिर नीमच की बात करते हैं, शीश महल, तो शीश महल नीमच में भी है और धार में भी है और इसके साथ निवाड़ी के अंतर्गत भी ये स्थापित है। तो शीश महल मध्य प्रदेश के 3 जिलों में स्थापित है। रतलाम में 2 है, सेलाना महल और क्राउन महल। सेलाना एक अभ्यारण भी है और सेलाना में इसके महल के साथ साथ एक मध्य प्रदेश का कैक्टस गार्डन भी है। तो इसके बाद रतलाम के तीनों जो हमारे महल है, सेलाना महल और सॉरी क्राउन महल, ये रतलाम के अंतर्गत आते हैं। सेलाना उसकी एक तहसील प्लेस है, आप ऐसा समझ सकते हैं। धार में जो मांडव है, मांडव के साथ साथ धार के प्रॉपर धार में भी कुछ महल पाए जाते हैं। हम इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले खरबूजा महल, शीश महल, डाकन्या महल, अंधा महल, अदर गुंबद महल, रोशनबाग महल, बोड़िया महल और समुरावाला महल, ये प्रॉपर धार में दिखाई देते हैं। और धार के अंतर्गत एक किला पड़ता है जिसे अपन मांडव का किला कहते हैं, जिसे सिटी ऑफ जाय कहा जाता है, आनंद की नगरी कहा जाता है, शादियाबाद कहा जाता है। उसके अंदर मध्य प्रदेश के प्रमुख जो महल हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले बाज बहादुर और रानी रूपमती, ये दोनों शासक मतलब जो राजा रहे, राजा बाज बहादुर और उनकी प्रेमिका जो रही हैं वो रही है रानी रूपमती, इन दोनों के महल बने हुए हैं। और बाज बहादुर और रानी रूपमती के महल इस प्रकार बनाए गए हैं कि जब भी रानी रूपमती उस अपने महल में टहल रही होती थी तो बाज बहादुर के महल से उसका जो दृश्य है वो पूर्ण दिखाई देता था। फिर जहाज महल, एक्चुअल में नाम के अनुरूप इसके दोनों ओर पानी भरा हुआ है और इस महल को जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है ये जहाज के समान प्रतीत होता है। फिर आता है हिंडोला महल, ये भी मांडव धार में स्थित है। हिंडोला महल का मतलब होता है झूलती हुई इमारत से, जैसे झूला झूलता है। एक्चुअल में ये महल 77 डिग्री पर लोकेटेड है, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि ये झूले ले रहा है, इसलिए इसे हिंडोला महल कहा जाता है। जहाज महल है, उसी के पास में जल महल पाया जाता है। इसके अलावा मांडव के कुछ अन्य महल है, जैसे अशरफी महल, दाइका महल, 56 महल, नीलकंठ महल। नीलकंठ महल एक्चुअल में एक मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर, जिसे हम नीलकंठ महल के नाम से भी जानते हैं। हम आगे चलते हैं इंदौर। इंदौर में जो मुख्य रूप से पैलेस या महल पढ़ते हैं वो 2 है। आपने राजवाड़ा का नाम सुना होगा। राजवाड़ा का एक्चुअल में उस बेल्ट को पूरे को राजवाड़ा कहा जाता है, उसी के नाम से राजवाड़ा पैलेस हो गया, लेकिन उसका वास्तविक नाम होलकर महल है। और एक पड़ता है लालबाग पैलेस, आपने लालबाग के आसपास में घुमा होगा, यह लालबाग पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के सारे महल समाप्त होते हैं, जो लगभग 70 के आसपास हैं। धन्यवाद।